मार्च को सुबह को 8 बजे का टाइम था और इमिग्रेशन वाले हैं, उन्होंने हमारा दरवाज़ा नोक किया, हम दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, उन्होंने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा हमारा नोक किया और हम सब ने दरवाजे अपने खोले और उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया और वो हमें समलोंग थाने में लेके गए। वहाँ पे हम रात रहे, एक रात वहाँ पे हमने गुजारी। उसके बाद वो हमें जेल में ले गए और उस जेल में हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। हमारे बच्चे उन्होंने हमसे छीन लिया, हमने वहाँ पे 13 दिन गुजारे और वो हमें थाई खाना देते थे, हम थाई खाना नहीं खाते थे और वो बहुत बुरे तरीके से, जब हम 2 दफ़ा कोर्ट में गए और वापस आए, उन्होंने हमारे बहुत बुरे से चेकिंग करते थे और वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। उसके बाद फरद फाउंडेशन ने हमारे पैसे पे किया और हम आईडीसी में आए, आईडीसी में हम 1 माह रहे। उसके बाद फरद फाउंडेशन ने हमारी बेल करवाई और आज हम 1 माह और 4-5 दिनों के बाद हम अपने घरों को जा रहे हैं और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बेल करवाई। हम बहुत गरीब थे, हम इस लायक नहीं थे कि हम अपनी बेल खुद करवा सकें और मैं फरद भाई का और उनकी तमाम टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बेल करवाई।